3.4 किलोमीटर, क्या बात कर रहे हो। इफको चौकी मेट्रो के पिकअप लेने के लिए हमें एम जी रोड मेट्रो से यू टर्न लेके आना पड़ा है। ओह शिट 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 शिट, यार ट्रेन को देखने के बाद हमें अपने घर की याद आ गई। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज, दो तीन दिन से मैं काम पे नहीं गया हूँ, इसीलिए हमारी वीडियो नहीं आ पा रही 2-3 दिन से। तो गाइज उसके लिए सॉरी, क्योंकि बारिश हो रही थी और मौसम थोड़ा ख़राब था और हमें सर्दी हो गई थी, तो इसीलिए मैंने 2-3 दिन का लीव ले लिया था। आज जैसे कि देख रहे हो, आज सुबह सुबह ही धूप निकल चुकी है, तो आज हम फिर से राइड करने के लिए निकल चुके हैं और टाइम हो रहे हैं हमारे 8:30। दिन है, आज शनिवार है, आज वीकेंड है, तो देखते हैं आज के वीकेंड में हमारी अर्निंग कैसी होती है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं, हमारी पहली राइड आ चुकी है, हम पहली राइड को पिकअप करने के लिए निकल चुके हैं अभी। चले चलते हैं, पहली राइड को पिकअप करते हैं, मिलते हैं आपसे पिकअप करने के बाद। भैया को तो हमने पिक कर लिया है, फर्स्ट राइड हमने पिक कर लिया है और राइड हमारी होने वाली है 11.5 किलोमीटर की। तो भाई ये राइड तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट राइड। उसके साथ ही मुझे एडवांस में एक राइड आ चुकी थी, जब मैं ये 2 किलोमीटर बचा हुआ ही था तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया उनको। चलिए फिलहाल अब चलते हैं। इसका लोकेशन किधर है, 250 मीटर की पिकअप दिखा रही है, अब चलते हैं पिक करने के लिए सर को। तो भाई साहब दूसरी राइड भी हमने पिक कर ली है। एक सेकेंड, आगे से चलना है या फिर सीधा ही? तो ये राइड हमारी 5.5 किलोमीटर की होने वाली है, हमें उनको फटाफट से कर देते हैं ड्रॉप। थैंक यू, ऑनलाइन पेमेंट हो चुकी है और हमें एक और राइड भी एडवांस में आ चुकी है। 3.4 किलोमीटर, क्या बात कर रहे हो। चलिए गाइज, थोड़ी सी लंबी पिकअप है बट हमने एडवांस में एक्सेप्ट कर लिया है, तो चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं। ओके, घुमा लें? हाँ ये घुमा लेते हैं। ओके चलिए गाइज, फाइनली कुछ देर वेट करने के बाद कस्टमर तो हमें मिल गए। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए भाई चलते हैं। अच्छा तो गाइज ये राइड भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 68 सर। भाई राइड तो हमने ये कंप्लीट कर दी है और मैं अभी फ़िलहाल में आ गया हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में। तो चलिए देखते हैं, अब यहाँ से ओला पे हमें एक राइड तो मिल चुकी है, तो अभी फ़िलहाल अरे यार उबर को ऑफ कर देते हैं। तो भाई साहब लोकेशन तो यहीं पे है, अब देखते हैं भाई साहब कहाँ पे है। ओला बुक की क्या? 1002। ओके तो भाई चलते हैं ओला की राइड को पिकअप ड्रॉप करते हैं। अब 7.5 किलोमीटर की राइड है, फिलहाल अभी हम एयरपोर्ट के साइड से घूम रहे हैं, देखते हैं अब हमारी दिल्ली में कैसी राइड होती है, गुड़गांव से अच्छी होती है या फिर उससे भी ख़राब होती है। तो भाई साहब भैया ने ऑनलाइन पेमेंट कर रखा है, तो चलिए इस राइड को फटाफट कंप्लीट कर देते हैं, रेटिंग दे देते हैं। और फिलहाल अभी हम आ चुके हैं पालम बिहार में, चलिए अपना ऊबर भी ऑन कर देते हैं, अब वेट करते हैं नेक्स्ट राइड का। अब हमने लगभग 4 राइड कंप्लीट कर लिया है भाई। चलिए तो हमें तो वेट नहीं करना पड़ा, हमें तुरंत ही राइड मिल गई है, ओला पे ही मिल गई हमें। हमें जाना है उद्योग बिहार सेक्टर 20। यार मैं अभी दिल्ली इंटर ही करा था, एयरपोर्ट पे आया ही था, फिर से अब पालम बिहार आ गया, पालम बिहार से उद्योग बिहार फिर से जा रहा हूँ अब। यार ट्रेन को देखने के बाद हमें अपने घर की याद आ गई, पर कोई ना, चलेंगे जल्दी जाएंगे अपने घर। वेट करते करते गाइज हमें 3 मिनट हो चुके हैं, मैम ने बोला 2 मिनट में आ रही हूँ बट 3 मिनट हो चुके हैं हमें, अब देखते हैं और कितना वेट करना पड़ता है हमें। अब टाइमर यार बिल्कुल ख़त्म होने वाला, 1 मिनट और बच रहा है,
अगर पाँच ये हो जाएंगे 5 मिनट मुझे टोटल, अगर ये टाइमर ख़त्म हो जाएगा इसके बाद मुझे वेटिंग चार्जेस भी लगेंगे कस्टमर को। देखते हैं ये ख़त्म होने के बाद एक बार हम फिर से कॉल कर लेंगे। यार तो हद हो गया, इतना लेट कौन लगाता है। चलते हैं उद्योग विहार और क्या हो गया। फिफ्टी हाँ तो भाई ये राइड भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हमें हो गए 2 घंटे काम करते हुए। यार कस्टमर को लोकेट करने में दिमाग ख़राब हो गया, जिसने राइड बुक करी है वो कहीं और पे है और यहाँ पे उनका कोई जो था रिलेटिव होंगे कोई, वो थे पिकअप लोकेशन पे, वो कहाँ थे पता ही नहीं, उनको कॉल लग ही नहीं रहा था। 10-15 मिनट दिमाग ख़राब करने के बाद फाइनली मुझे मिल चुकी है। तो गाइस फिलहाल हम इफ्को चौक तो आ चुके हैं, इसी के साथ हमारी ये राइड होती है कंप्लीट। तो गाइस चलिए एक राइड और ऊपर में आ चुकी है, बट इसमें वही है 700 मीटर की पिकअप थी पर यू टर्न लेने के बाद हमें 1.7 किलोमीटर हो रहे हैं, क्योंकि यार यहाँ पे तो यू टर्न का तो है ही नहीं झमेला, तो डायरेक्ट हमें वहाँ पे जाके मेट्रो के MG रोड जो मेट्रो है उसका सामने यू टर्न लेना पड़ेगा। तो गाइस देख रहे हो इफ्को चौक की मेट्रो के पिकअप लेने के लिए हमें MG रोड मेट्रो से यू टर्न लेके आना पड़ा है। सिस्टी नाम से क्या 1.3 किलोमीटर की यार लोकेशन ड्रॉप लोकेशन है, इसके लिए मैं आया 1.7 किलोमीटर। हेलमेट पहने जगह हूँ ओके। 1.3 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन के लिए हम 1.7 किलोमीटर घूम के आए हैं यार, अब क्या ही कर सकते हैं। 23 UPI ये QR कोड आगे में ले गई, लगभग 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद हमें एक और राइड मिल गई है, करते हैं इस राइड को भी कंप्लीट। हमें चलना है सेक्टर 15, डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, चलते हैं। तो भाई साहब भैया को तो हमने ड्रॉप कर दिया है और ड्रॉप करते ही मुझे एक रैपिडो में राइड मिल गई है और ये मेरे रैपिडो की पहली राइड है दोपहर के 12 बजे। चलिए बस 100 मीटर की पिकअप है, पिक करेंगे चलेंगे। चलिए भाई चलते हैं, 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, छोटी सी राइड है, ये पूरा कर लेंगे इसको। तो ओके थैंक यू। तो गाइस ये राइड हो चुका है कंप्लीट और मुझे मिले हैं 26 रुपीज़ 2.5 किलोमीटर के, तो चलिए ठीक है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपने घर के तरफ में क्योंकि 12:15 हो गए हैं। यार ये सुशांत लोग फेज 1 की राइड आ रही है, अब हम राइड को नहीं लेंगे क्योंकि भाई हमारा टाइम पार्ट टाइम हो चुका है, मैंने 3.5 घंटे काम कर लिए है। तो फिलहाल चलिए अब ID को ऑफ कर देते हैं, अर्निंग आप देख ही रहे होगे 3 घंटे में हमारी अर्निंग, 3.5 घंटे में हमारी अर्निंग हो गई है ऊपर में 305 रुपये। लास्ट राइड हमने एक रैपिडो में मारी थी जिसकी हमें अर्निंग हुई है 26 रुपीज़, 331 रुपये हो गए हमारे टोटल। और ओला में हमने मारी है 2 राइड
तो ओला में हमारी हो गई है 129 रुपये, तो टोटल हमारे हो गए हैं 460 रुपये। जैसे कि मान लीजिए हमारी गाड़ी चल गई है, हमारी गाड़ी चल गई है इसमें 65 किलोमीटर, तो 130 रुपये की हम तेल मान लेते हैं, चला गया हमारा पेट्रोल का खर्चा हो गया 130 रुपये, और हमारी जो 3 घंटे की जो अर्निंग हुई है वह 330 रुपये। तो आइडिया लगा ही सकते हो, मतलब कि ठीक ही है, ठीक ही है। ऊपर से आज सैटरडे था, आज वीकेंड होता है, कई ऑफिस बंद भी होते हैं, तो मैं तो सोचा नहीं था कि मतलब इतनी अच्छी मेरी राइड हो जाएगी। चलिए तो नॉर्मल डे की तरह ही हो गया है, जैसे हमारे नॉर्मल डे में राइड होती थी 100 रुपये घंटे के हिसाब से। तो फिलहाल अब हम घर ही जा रहे हैं, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आ रही होगी। मैंने देखा है कि आप लोग मतलब कि यार वीडियो तो देख लेते हो पर पूरा देखते नहीं हो, आप लोग मतलब कि शुरू की पार्ट देखते हो और अंत की पार्ट देखते हो। यार ऐसे तो हमारा मतलब कि रीच नहीं हो पाएगा ना यूट्यूब पे, तो प्लीज़ यार आपसे विषय निवेदन है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से हमें हो सकता है कि मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ।